हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप? सो उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। केरला T20 ट्रॉफी के 14 मैच के अंदर बात करेंगे। ये मुकाबला KAN वर्सेस KAY के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज़ का एक और बेहतरीन और जैकपॉट मुकाबला, जो कि केरला T20 के अंदर ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बैक टू बैक निकाल रहे हैं, तो ये भी मैचेस इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले, वो चाहे स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ग्रैंड लीग्स में कर रहे हैं। तो वीडियोज़ को एंड तक देखना ताकि जो भी इनकी पिच रिपोर्ट विद जो बैटिंग ऑर्डर है, खास करके हमारे जो लॉजिक बेसिस पर डिफरेंशियल और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे, इनके बारे में भी डिटेल्स में जाने, साथ ही कौन से प्लेयर आपको डेथ में ओवर्स डालेंगे, कौन से प्लेयर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराएंगे, ये सारे A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में ही मिलने वाले, तो एंड तक देखना। और गाइस, सबसे पहले तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ वगैरह रहेंगी इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आपको ही मिलता है। और वैसे भी गाइस, आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को भी हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले इनकी प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये केरला T20 ट्रॉफी का 14 मैच जो कि मुकाबला 1 बजे घड़ी में शेड्यूल्ड है। हम इनकी अगर वेन्यू की बात करेंगे तो ये ST एग्जीबर्स कॉलेज ग्राउंड, ये तुम्बा के सेम ग्राउंड पर मैच, जहाँ पर रिसेंट से पहले ऑलरेडी बहुत के बाकी के जो सारे मैचेस इसी वेन्यू पे ही खेले गए थे, और इनका एवरेज स्कोर जो है 140 से 160 के आसपास में आपको ये स्कोर बनते हुए इस वेन्यूज पे दिखेंगे। और इनकी पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें रिसेंट फॉर्म बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक तरह से बैलेंसड ही है, थोड़ी बहुत बैटिंग को भी अच्छी हेल्प की, पेसर्स और फास्ट बॉलर्स को अच्छी मदद मिली है विकेट्स, तो ऐसे भी देखो तो एक तरह से बैलेंसड ही पिच दिखेंगी। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ना, अभी तक आपने अभी तक नहीं ज्वाइन की हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी फैंटेसी टीम से स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की होंगी ये सारी चीज़ों का अपडेट सबको सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो बैक टू बैक जिस मैच की अगर हम वीडियो ना भी बनाएं तो उसकी टीम्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। अब हम बात करेंगे जो KAN के टीम है, रिसेंट के अपने एक मैचेस में रिसेंट अपने लास्ट मैचेस ये हार कर आ रही है, तो इनकी ये टीम की ओर से अरुण दिखेंगे, जिसमें ये 6 मुकाबले 297 रन 74 का स्ट्राइक रेट एवरेज है, जिसमें स्ट्राइक रेट भी देखो तो काफ़ी बेहतरीन आपको दिखेंगे, और लास्ट मैचों में 40+ स्कोर। ये गाइस प्लस पॉइंट्स में आपको विकेट कीपिंग से कैचेस के पॉइंट्स देंगे, और स्मॉल लीग के लिए बेस्ट प्लेयर है। आप इन्हें चाहो तो एक दर टीमों में ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कप्तान भी कर सकते हैं, पर इस बॉलिंग में सिर्फ एज अ प्लेयर इनको रखेंगे। साथ ही यहाँ पर उमर को भी रखेंगे, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट ही मीडियम बॉलिंग है, और 21 मैचेस में टोटल 528 रन 27 के एवरेज, 4 विकेट्स थे, और खेले गए लास्ट मैचों में एक रन का स्कोर, 1 विकेट्स निकाले, पूरे 4 ओवर्स के बॉलिंग दिखेंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनके स्टैट्स बॉलिंग बैटिंग से, और ये ओपन ही कराएंगे तो आप इन्हें कैप्टन वाइस कप्तान ग्रैंड लीग्स वगैरह में भी कर सकते हैं। और बाकी के यहाँ पर दोस्तों जो सागर नजर आएंगे ना, 5 मैचों में 80-16 का एवरेज है, 5 विकेट्स भी थे, खेले गए लास्ट मैचों में सिर्फ 16+ स्कोर। इनके अलावा यहाँ पर जो सलमान नज़ीर दिखेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ी सी बेस्ट चॉइस है, लास्ट मैचों में 58+ स्कोर था, और आप इन दोनों में से किसी भी एक बैटिंग को टीम में लेकर जा सकते हो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र नहीं नजर आएंगे, आप इनके साथ ही जाओ। अब यहाँ पर दोस्तों जो धीरज दिखेंगे ना T20 का अंदर ऑलरेडी ये 6 मैचों के अंदर 58 रन सिर्फ 14 का एवरेज और फ्लॉप रहे, तो यहाँ से ये खेलते भी हैं तो अभी हम इन्हें ड्रॉप ही करेंगे। अर्जुन सुरेश 10 मैचेस 126 14 का एवरेज और 11 विकेट्स थे, जिसमें ये ऑफ स्पिन बॉलिंग आते हैं, लास्ट मैच में 11 का स्कोर विकेटलेस रहे, पार्ट टाइम 2 ही ओवर्स के बॉलिंग है, तो यहाँ से ये खेलते भी हैं तो अभी हम इन्हें ड्रॉप ही करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो वैष्णो भी दिखेंगे तो ये भी ग्रैंड लीग्स वगैरह के ही अच्छे हैं ना, बैटिंग अच्छा है ना, बॉलिंग 2 मैचेस के अंदर 35 रन और खेले गए लास्ट मैचों में फ्लॉप रहे, और बैटिंग ऑर्डर भी देखो तो 8 से 7 नंबर दिखेगा, तो यहाँ से इन्हें भी ड्रॉप करके ही जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो वीक दिखेंगे लास्ट मैचों में ना बैटिंग ना बॉलिंग है, हालांकि 2 मैचों में 51 रन 3 विकेट्स और ये लेग स्पिन बॉलिंग आते, तो अभी रिसेंट के मैचों में फ्लॉप रहे, ग्रैंड लीग्स वगैरह में ही आप रखो। इस अब यहाँ पे जो गाइस बद्रुधन या फिर हो सके तो नज़ील में से किसी एक बॉलिंग के साथ जाओ, इन्होंने 3 मैचेस के अंदर 7 विकेट्स निकाले, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट्स था, पूरे 4 ओवर्स की बॉलिंग, जिसमें ये डेथ में भी ओवर्स डाल रहे हैं। इनके अलावा आप चाहो तो मोहम्मद नज़ील के साथ भी जा सकते हैं, 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट्स, रिसेंट के फॉर्म फ्लॉप रहे, फिर भी ये थोड़ी बहुत डिफरेंशियल रह सकते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बद्रुधन ही आपके लिए, आप इनके साथ ही जाना। बेंच में से कोई भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलेंगे तो बाकी के इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह इसकी अपडेट्स में आपको अपने टेलीग्राम पे ही दूंगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जितने भी मेरे भाई हो अभी तक हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हो जल्दी से जुड़ जाओ। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो KAY की टीम है रिसेंट अपने एक मैचेस ये भी हार कर ही आ रही, और इनकी ही टीम की ओर से प्रॉमिस दिखेंगे, जो लास्ट मैचों में 68+ स्कोर, हालांकि 3 मैचेस के अंदर 4 विकेट्स और ये राइट हैंडर से बैटिंग, जिसमें राइट ही मीडियम बॉलिंग भी आते हैं, पर अभी रिसेंट फॉर्म में बॉलिंग नहीं दिखा, सिर्फ बैटिंग से आउटस्टैंडिंग फॉर्म, और ये ओपन ही कराएंगे तो टीम में इनको पिक करके यहाँ से चलेंगे।
एल्बिन ग्रैंडलीज के डिफरेंशियल प्लेयर है, 4 मैचेस के अंदर 86 रन 28 के एवरेज है, लास्ट मैच में डक पर आउट हुए थे, तो आप इनके साथ जाओ, नहीं तो यहाँ पर जो नशीर नियर नजर आएंगे ना, इनकी जो स्टार्ट्स हो राइट हैंडर बैट्समैन लेग स्पिन बॉलिंग, लास्ट मैच में 9 का स्कोर विकेटलेस थे जिसमें 3 ही ओवर्स की बॉलिंग था, तो वैसे भी आप इन दोनों में से किसी भी एक प्लेयर्स के साथ जा सकते हैं। आसिफ अली राइट हैंडर बैट्समैन जिसमें लेग ब्रेकर बॉलिंग आते हैं और 40 मैचेस टोटल 846 रन जिसमें 23 के एवरेज में 48 विकेट्स थे और खेले गए लास्ट मैचों में 40+ स्कोर, ये राइट हैंडर बैट्समैन जिसमें लेग ब्रेकर बॉलिंग भी कराते हैं, तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है स्मॉलिस के लिए और आप इन्हें जीएल के एकदा टीमों में कैप्टन वाइस कप्तान भी जरूर करके चलना। हरीश कृष्णा लास्ट मैच में हमने कैप्टन भी किया था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अच्छे प्रॉफिट भी कमाए, देखोगे तो लास्ट मैचों में 7 का स्कोर करके 2 विकेट्स निकाले, 4 ओवर जिसमें डेथ में भी ओवर्स ये कराते हुए दिखेंगे और 7 मैचेस के अंदर 144 रन 7 विकेट्स भी है, तो ये मिडिल ऑर्डर में भी कभी कभार बैटिंग के लिए आ जाते हैं और कभी कभार टॉप ऑर्डर में भी आते हैं, तो इनकी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होते रहते हैं, तो टीम के लीड कर रहे हैं तो आप इन्हें एज अ स्मॉलिंग में कैप्टन वाइस कप्तान भी कर सकते हो। इनके अलावा ग्रैंड लीग्स और मिनी जीएल टीम्स में भी हम इन्हें ज़रूर से करके जाएँ। घनश्याम की बात करेंगे तो ये 12 का स्कोर करके 3 विकेट्स निकाले, पूरे 4 ओवर्स बॉलिंग रहा, तो ये भी एक सेफ चॉइस ही है जिसमें बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छी इनका दिखेगा, तो कैप्टन वाइस कप्तान ग्रैंड लीग्स में करना, पर स्मॉलिंग में सिर्फ एज आप प्लेयर रह सकते हो सके तो आप मिनी जेल और ग्रैंड लीग्स खेल रहे तो खास करके वहाँ पर इन्हें कैप्टन वाइस कप्तान करके जाओ। अभी की बात करेंगे तो अभिलेश का जो स्टार्ट है उन्हें राइट हैंडर्स बैटिंग और राइट मीडियम बॉलिंग आते हैं, 6 मैचेस 155 रन 51 के एवरेज जिसमें 3 विकेट्स थे, पर ना बैटिंग अच्छा है, बैटिंग से देखो तो बैटिंग ऑर्डर आपको 7 से 8 नंबर दिख ही रहा है, बॉलिंग से जो है इनका 6 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 विकेट से, खास बात यह है कि इनकी जो ओवर से वो 2 से 1 ओवर तक ही आएंगे, तो इन कंडीशन में अगर पहले इनकी टीम बैटिंग कराती है तो ही आप रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अखिल का 8 मैचों में 8 विकेट्स थे और खेले गए लास्ट मैच में विकेटलेस थे, 3 ओवर्स के बॉलिंग और ये राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग आते हैं, रिस्क वगैरह लेने के लिए सेफ रह सकते हैं। सृजीत की बात करेंगे तो ऑलरेडी इसके इन्होंने मैचेस खेले हैं, लास्ट मैच में ये भी फ्लॉप रहे थे, और जो जीतू का स्टार्ट्स है ना वो 5 मैचों में 4 विकेट्स, रिसेंट के फॉर्म विकेटलेस थे, 3 ओवर्स के बॉलिंग, श्रीकांत ना बैटिंग कराए ना बॉलिंग, 23 मैचेस के अंदर 15 विकेट्स था और यहाँ से ये खेलते भी हैं तो अभी हम इन्हें ड्रॉप करके ही जाएंगे। और बाकी के जो बेंच प्लेयर आपको दिख रहे हैं इनमें से अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से खेलता है तो बाकी के इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह गाइस इसके अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा पाऊंगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जितने भी मेरे भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, बाकी बात करते हैं टीम के बारे में। अब इनके अलावा जितने लोग भी भाई हो हमारे अभी तक विजन 11 ऐप को भी नहीं डाउनलोड किए हो तो कर लेना, इनवाइट कोड FC यूज़ करते ही आपको 100 रुपीज़ का रियल कैश मिल जाएगा। इनके अलावा देखोगे तो आप 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक IPL के हर मैच में फ्री गिव अवे और फ्री एंट्री रहता है, इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। सबसे खास फीचर्स यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, ना विड्रॉल पर ना डिपॉजिट पे, तो अभी जितने भी मेरे भाई हो अभी तक इसे नहीं डाउनलोड किए इनवाइट कोड FC यूज़ करो, साइन अप करो और जितना आप इन्वेस्टमेंट करो बहुत लो कंपटीशन के साथ आप इजीली प्रॉफिट कमा पाओगे। हालांकि बात करते हैं टीम के बारे में, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने काफ़ी रिसर्च बेसिस पे इस टीम को क्रिएट करके रखे थे। कैप्टन वाइस कप्तान ऑप्शन की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हरी कृष्णन को तो कैप्टन करना ही है, नसीर एजो वाइस कप्तान इस मैच में जा रहे हैं। टीम प्रीव्यूज आप देख पा रहे होंगे, सेम टीम्स के साथ विजन 11 पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सके तो टॉस के बाद एकदम टीम में चेंजेस भी होंगे जिसकी सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे देंगे, पर इनवाइट कोड FC के साथ साइन अप करो, 100 रुपीज़ का आपको रियल कैश मिल जाएगा। इनके अलावा 50,000 रुपये IPL में हर मैच में फ्री एंट्री भी रहता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो जितने लोग भी विजन 11 नहीं डाउनलोड किए डाउनलोड करो, अभी मैच में बहुत टाइम है तब तक आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा।